बच्चों हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक परसेंटेज प्रतिशत। ये आपके सभी एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ये आपके सुपर टेट को भी क्वालिफाई कराएगा, आपके लेखपाल में भी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाएगा। ठीक है, तो एक लेबल है किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं और पैटर्न को समझा जाए तो पहले बेसिक चीजों को समझते हैं। ठीक है, अगर किसी भिन्न को परसेंटेज में व्यक्त करना हो या कहा जाए कि आपके परसेंटेज कितने हैं, मार्क्स है ना, या कहा जाए जैसे मान लीजिए कोई बात कही जाती है, मैं थोड़ा सा कलर इसका चेंज कर देता हूं, कोई बात की जाती है कि एक्स को वाई के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करो, को वाई के प्रतिशत के रूप में लिखो, तो कैसे लिखेंगे? तो इसका मतलब है एक्स को वाई के प्रतिशत के रूप में, तो एक्स बटे वाई इंटू 100 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसी पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कहा जाए कि 20 को या 20 को 80% के रूप में लिखो, या कहा जाए 20 का 80% कितना होगा, या आपसे कहा जाए 20 का 80% कितना होगा, तो ये दोनों ही बातें एक ही बात है कि या तो उसके रूप में लिखो या वो उसका कितना प्रतिशत होगा। तो 20 का 80%, तो 20 × 80/100, 1 0 से ये 0 गया, 1 से ये 0 गया, तो 8 × 2 = 16। तो 20 का 80% कितना हो गया, 16 हो गया। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, अब किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो, जो दूसरी बात जो मैं आपसे कहने जा रहा हूं, जो दूसरा पॉइंट है, अगर किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, उस भिन्न को मान लीजिए कोई भिन्न है ए बटे बी और उसका प्रतिशत में बदलना है, तो उस भिन्न को 100 से गुणा कर दीजिए। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल कर लेते हैं एक, कि 4/25 को प्रतिशत में लिखो, तो 4/25 को प्रतिशत में लिखेंगे तो 4/25 × 100 हो जाएगा बच्चों। 25 × 100, 4 × 4 = 16। ठीक है, तो किसी भिन्न को बदला तो क्या होगा, ये 16%, इसका आंसर होगा वो 16% होगा, हमेशा याद रखिएगा। कभी क्वेश्चन कुछ ऐसे भी आते हैं कि चलिए दूसरे उस पर देख लेते हैं। कई बार क्वेश्चन कुछ दूसरे तरीके से आ जाते हैं। जैसे एक पैटर्न क्वेश्चन आ जाए कि ए का 20% कितना होगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, a × b/100। ये हम लोग पहले भी बात कर चुके है ना, हमने किया था भी थोड़ी देर पहले। तो a × b/100 मतलब क्वेश्चन आ जाता है, अगर 40 का 80% कितना होगा, तो 40 × 80/100, 1 से ये गया 0, इस 0 से 0 गया, तो आपका आंसर होगा 32। कई बार क्वेश्चन कुछ दूसरे तरीके के भी पूछे जाते हैं बच्चों। अब चूंकि हम लोग जब देख रहे हैं चीजों को तो कर लेते हैं। कई बार क्वेश्चन कुछ अजीब तरीके से हैं आपके पास, आपके लिए आते हैं सामने, कि मान लीजिए आ गया कि ए का कितने परसेंट सी है, ए का कितने प्रतिशत सी है, या ऐसे आ जाए, या ऐसे आ जाए सी ए का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस में जब भी आएगा,
ए का कितने प्रतिशत सी है, कितने प्रतिशत सी है, या सी ए का कितना प्रतिशत है। तो हमेशा सी ऊपर होगा, सी अपॉन ए इंटू 100। ऐसे क्वेश्चन में ट्रिक आपको याद रखनी है। एक एग्जाम्पल करके देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा कि 40 का कितना प्रतिशत 10 है। क्वेश्चन क्या है, 40 का कितना प्रतिशत 10 है, तो क्या हो जाएगा। तो हमेशा 40 का कितने प्रतिशत सी है, 40 कितना, तो ये हो गया आपका सी, ये जो 10 है ना वो सी है, और ये हो जाएगा ए। तो आपको मैंने फॉर्मूला बताया था सी अपॉन ए, तो सी कितना है 10 अपॉन 40 इंटू 100, ठीक है। इससे इसको किया आपने तो ये कितना हो गया 100 अपॉन 4, ये आ गया आपका 25। तो क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार से आपके पूछे जाएंगे, ठीक। तो ये आपको याद रखना है, बेसिक चीजें हैं परसेंटेज की। अब चलिए परसेंटेज को हम लोग थोड़ा दूसरे लेवल पे लेके चलते हैं। तो ये हम लोगों ने कुछ चीजें जानी, अभी परसेंटेज के और भी एग्जाम्पल्स हैं जिनको भी समझेंगे, और साथ में हम आपको ट्रिक्स बताएंगे, ठीक है। तो जाइएगा नहीं, बने रहिएगा हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।